हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैंगो केक। उसके लिए हमें चाहिए आम। मैंने एक आम को काट लिया था, एक कटोरी चीनी, एक कटोरी सूजी, नींबू का रस, आधा कटोरी घी या रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं आप। थोड़ी सी मैंने टूटी फ्रूटी ली है, आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। एक कप दूध, सोडा और बेकिंग पाउडर, ये कितना डालना है मैं बाद में बताऊंगी। और नींबू का रस 2-3 चम्मच लेना है। तो हम इस सूजी को मिक्सर ग्राइंडर करेंगे। सूजी आप कैसे भी ले सकते हैं, मोटी बारीक, लेकिन उसको आपको फिर से मिक्सी जार में पीसना होगा। तो चलिए हम सूजी को पीस लेते हैं। सूजी हमारी बारीक हो गई है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। हमारा जार छोटा है, नहीं तो हम इस आम को और चीनी को भी एक साथ इसमें डालकर पीस सकते थे। अब हम इसमें डाल लेंगे मैंगो और ये एक कटोरी चीनी। आम और चीनी का भी हमने बना लिया है पेस्ट, अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। आम का पेस्ट और सूजी को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसमें डालेंगे आधा कटोरी देसी घी, आप रिफाइंड भी ले सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। और आधा कप डालेंगे, एक कप में से ये दूध, आधा कप हम बचा लेंगे। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको थोड़ी देर ऐसे चलाएंगे एक ही डायरेक्शन में, ऐसे नहीं चलाएंगे, ऐसे ही चलाएंगे। और हम इसको 30 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। 30 मिनट हो गए हैं, हम देख लेते हैं। अब ये हल्का सा ठीक हो गया है, इसमें 2 चम्मच दूध डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी, तो उसमें थोड़ा सा हम आटा डालेंगे टूटी फ्रूटी में, जिससे तले में जाकर नहीं चिपकेगी, हमारे केक में नीचे नहीं बैठेगी। तो हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। आधा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर पाउडर जैसा होता है, ये थोड़ा दरदरा होता है, नमक जैसा, सोडा नमक जैसा होता है। अब हम डालेंगे इसमें 2-3 चम्मच नींबू का रस और इसको मिलाएंगे अच्छे से। इसमें एयर बबल बनाने हैं हमें, तो ओवर नहीं फेंटना है, आराम आराम से। अब हम इसे इसमें निकाल लेंगे जिसमें हमें केक बनाना है। इसमें हमने आटा लगा लिया था पहले ही। और इधर हमने गैस पे कढ़ाई रखी हुई है, ये हमने 5 मिनट के लिए प्री हीट कर ली थी ऐसे ढक के,
और इसके अंदर रखा है एक स्टैंड, इसके अंदर मैंने नमक डाला हुआ है और ये गर्म हो गई है। अब हम इसमें इस केक को रखेंगे और ये नमक आपका बेकार नहीं जाएगा, जब भी आप कुछ और बनाएं उसमें यूज़ कर सकते हैं, फेंके नहीं इस नमक को। अब हम इस केक को इसमें रखेंगे, ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, डालेंगे अब हम इसमें। और ये थोड़े से बादाम, अब हम इसे आराम से रख देंगे। सही से जमा के और इसको 40-45 मिनट के लिए ढककर अच्छे से रख देंगे और बीच में चेक नहीं करेंगे, 45 मिनट बाद ही चेक करेंगे। गैस को कम कर देंगे, धीमी आंच पर इसको 45 मिनट के लिए पकाएंगे। 40 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने केक को देख लेते हैं ये बना है या नहीं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए डबल हो गया है ये फूल कर। अभी हमारा केक अभी नहीं बना है, अभी हम इस 10 मिनट के लिए और रखेंगे। केक को हम फिर से ढक देते हैं दस मिनट के लिए। देखो चाकू बिल्कुल साफ निकला है, हमारा केक बन गया है। अब हम इसे कढ़ाई में से बाहर निकाल लेते हैं। और अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। हमारा केक ठंडा हो गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। पहले नाइफ से चारों तरफ से ऐसे छुटा लेंगे। अब एक प्लेट लेंगे इस तरफ और इसको इस पर पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा केक बना है हमारा। अब हम दूसरी प्लेट लेंगे और इसको सीधा कर देंगे केक को। देखिए अब हम केक को काट के दिखाएंगे। देखिए कितना अच्छा केक बना है हमारा। हमने इसमें कोई कलर नहीं डाला था, कितना अच्छा कलर आया है आम का। तो बनकर तैयार है हमारा मैंगो केक।